हेलो फ्रेंड, फ्रेंकी टेज ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में शीट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्सेल फाइल खोल लेनी है जो आपको प्रोटेक्ट करना हो। तो मैं यहां पर एक टेम्परेली एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, ये मेरा एक एक्सेल फाइल है। अब इसमें है ना, काफ़ी बार कई दिक्कतें का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि हम ऑफिस में काम करते हैं या घर पर भी, या हमारे फ्रेंड कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए हमारी ये फाइल को बिगाड़ देते। जैसे कि हमें इस रो को हमें सम करना है, तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्टली सम कर लूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको कोई चेंज कर देता है। तो जैसे कि मैं ऐसे इसको यहाँ पर चेंज करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज भी हो जाता है। इस वीडियो में आपको ऐसा बताऊँगा कि पूरी शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमें सिर्फ हमारे दोस्तों के या किसी को सिर्फ हम उसको बता सकते हैं, उसमें कोई भी वो चेंजेस या कुछ भी एडिटिंग वो नहीं कर सकता। सो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको जिस शीट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ से सबसे पहले पूरी तरीके से सिलेक्ट रखता हूँ। और एक बात और बता दूँ, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक दबा के आप इसको फॉर्मेट सेल में जाके, यहाँ देखिए प्रोटेक्शन, ये देखिए यहाँ पर जिस जिस सीट पे लॉक ऑन होगा ना उसी पे इसको लॉक करना होगा। मतलब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे जाके। पहले हम इसको टेम्परेली जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसी पे हम इसको लॉक कर देते हैं। पहले ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर रिव्यू में आपको जाना है और ये देखिए प्रोटेक्ट सीट, इस पर आपको एक बार क्लिक देना है। और आपको यहाँ पर पासवर्ड भी रख के प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अगर पासवर्ड रखना नहीं चाहते तो भी आप इसको बिना पासवर्ड लिखे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये देखिए हमारे बिना पासवर्ड लिखे प्रोटेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ देखिए होम पे ये सब बटन अननोन हो चुके हैं, कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। इंसर्ट में भी आप कुछ भी इसको चेंज नहीं कर सकते। और जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक देता हूँ तो भी ये एरर आता है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू द चेंज इज प्रोटेक्शन एंड देयर फॉर रीड ओनली। मतलब आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो, आप इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब इसको वापस हमें जैसे था वैसे बाय डिफ़ॉल्ट करना हो तो आपको वापस रिव्यू में जाना है। और ये देखिए इसको सिर्फ अनप्रोटेक्ट सीट करना है। ये और देखिए ये ऑटोमेटिक ये सब ऑप्शन वापस ओपन हो गए होंगे, ये देखिए। और आप यहाँ से भी चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए। ऐसे ही अगर आपको पर्टिकुलर एक सेल को आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखिए जैसे कि इसको मुझे सम कर देता हूँ, इसको मैं ये सम हो गया। अब इसको मुझे पर्टिकुलर यहाँ पर इसी इतनी इतनी चीज़ को मुझे लॉक करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पूरी सीट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पर राइट क्लिक दबा के फॉर्मेट सेल पर जाके प्रोटेक्शन पर जाके ये लॉक का है ना, यहाँ से चेक मार्क हटा देना है और उसको ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद आपको अब जिस सीट को लॉक करना हो तो उसके लिए वापस उस इतने सीट को आप कॉपी कर लीजिए। जैसे कि मुझे 55 को यहाँ पर मैंने सम मारा है उसको लॉक करना है। तो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक दबा के वापस फॉर्मेट सेल और प्रोटेक्शन को उस उतनी ही चीज़ को लॉक का मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सिर्फ सिलेक्ट उतने ही चीज़ किया जिस चीज़ को मुझे लॉक करना है। एक बार ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप पूरी चीज़ को सिलेक्ट करें तो पूरा चीज़ लॉक हो जाएगा। ये लॉक कर और ओके दबा दीजिए। ये देखिए अभी भी ये सीट पूरा लॉक नहीं हुआ, हमने सिर्फ इस पे लॉक ऑन किया, इस सब पे हमें लॉक ऑफ होगा। ये देखिए जैसे कि इस चीज़ को मैं फॉर्मेट सेल पे देखूंगा तो ये देखिए लॉक ऑफ है। हमें सिर्फ इस चीज़ इस 55 वाले कॉलम को ही हमने लॉक किया है। तो अब इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए आप वापस रिव्यू पर, और ये जैसे कि प्रोटेक्ट, इस बार मैं पासवर्ड अभी भी नहीं डालते, बाद में डालेंगे। अब ये प्रोटेक्शन ऑन कर देता हूँ। ये देखिए अगर ये अब प्रोटेक्शन ऑन होने के बाद यहाँ पर देखिए इस सीट को अगर आप चेंज करना हो तो भी चेंज हो सकता है। पर अगर इस सीट को आपको 55 लिखा है सेल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए मुझे यहाँ पर 55 और ये एरर वापस आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक दे, देखो ये एरर आ गया। और ये सीट पूरी तरीके से वर्किंग करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ 2 करेगा तो ऑटोमेटिक भी ये चेंज हो जाएगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपको इस सीट को भी लॉक करना हो तो आप वापस रिव्यू में जाएंगे और अनप्रोटेक्ट सीट करके, जैसे कि मुझे अब इस पूरे सेल को लॉक करना है तो इस पूरे चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक दबा के मैं फॉर्मेट सेल पे जाके ये देखिए लॉक बटन को ऑन कर देता हूँ और ओके पे क्लिक देता हूँ। ये देखिए वापस मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। ये देखिए ये पूरा कॉलम डी नाम का पूरा कॉलम हमारे सिलेक्ट करके मैंने उतने ही कॉलम को लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद ये देखिए प्रोटेक्ट सीट। अब इस बार मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड में कुछ हम टेम्परली 1 2 3 4 5 6 रख लेते हैं और
ओके दबाते हैं और ये वापस री एंटर मारेगा। वापस वही पासवर्ड मार दीजिए जो पहले आपने मारा, 1 2 3 4 5 6 और डन। ये देखिए अब यहाँ पर ये पासवर्ड आपको कहाँ मांगेगा मैं आपको वो बताता हूँ। अब जैसे कि आपको इस सीट को अन प्रोटेक्ट करना, जैसे कि आपको ये यहाँ पर सम को कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको अनप्रोटेक्ट करने के लिए ये पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर वो पासवर्ड दे के आप उस सीट को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अनप्रोटेक्ट हो चुका है। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अब हमें बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।